अब हमने तीनों फॉर्म पढ़ लिए अभी तो। रेखा का अगर जनरल सम रूप दे रखा है आपने को, और उसको पहले डाल रूप में बदला, फिर हमने अंतःखंड रूप में बदला, और फिर हमने अभिलंब रूप में बदला। अब चौथा सूत्र आएगा, किसी बिंदु एक्स वन वाई वन की किसी रेखा अपने को दे रखी है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये एक रेखा की समीकरण दे रखी है, और एक कोई बिंदु दे रखा है हमें एक्स वन वाई वन। तो इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी या लंबिक दूरी, इससे हमने इस पर लंब डाला। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लंबवत दूरी है इस बिंदु की इस रेखा से, वो क्या आएगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, जो हर बार आगे जब पढ़ोगे ट्वेल्थ में भी और हर जगह काम आएगा। तो रेखा हमने मान ली ए बी, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट कोई पी है। तो बिंदु पी से रेखा ए बी पर लंब डाला गया है, तो हमें बी पी इसकी, पी से बी पे लंब डाला गया है, इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है। तो इसका सूत्र, बिंदु पी जिसके निर्देशांक एक्स वन वाई वन से रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो पर डाले गए लंब की लंबाई, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या आएगी? तो इसका सूत्र होता है, ऊपर जो रेखा का समीकरण दे रखा है इसमें हम x और y की जगह ये बिंदु रख देंगे x1 y1। तो इसका सूत्र हो जाएगा a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूरी लंबाई जो है वो ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए हम इसका मापांक ले लेंगे। तो ये होता है किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं इस पर। देखो चौथा सवाल दे रखा है हमें, इसी सूत्र पे है, मिटा देता हूँ ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर फोर, 10.3, बिंदु माइनस एक एक की, ये तो बिंदु दे रखा है, इसके निर्देशांक का माइनस वन कोमा वन, इसकी रेखा 12x प्लस सिक्स बराबर पाँच वाई माइनस दो। तो रेखा का समीकरण आपको ऐसे दे रखा है, 12 x प्लस सिक्स बराबर पाँच वाई माइनस टू। इसको सरल करते हैं तो 12x माइनस पाँच वाई, ये हो गया प्लस 72, वहाँ से हो जाएगा प्लस का 10 बराबर जीरो। तो रेखा का इक्वेशन 12x माइनस पाँच वाई प्लस 82 बराबर जीरो। इस रेखा का समीकरण ये है, 12x माइनस पाँच वाई प्लस 82 बराबर जीरो। तो रेखा इधर आ गया ना, बराबर के इधर लाए तो प्लस हो गया। तो ये रेखा का लाइन का इक्वेशन है, रेखा का समीकरण, और ये बिंदु है हमारा। अब इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो इस रेखा से इस बिंदु पर डाले गए, इस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र ये होता है। इस सूत्र में रखेंगे मान, तो क्या आएगा ए। अब इसमें सबसे पहला काम होता है एक्स और वाई की जगह हम ये बिंदु रख दें एक्स वन वाई वन। तो ऊपर तो 12 इंटू एक्स की जगह एक्स निर्देशांक माइनस वन प्लस, माइनस का पाँच है तो माइनस पाँच इंटू वाई की जगह वाई निर्देशांक एक प्लस 82 बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान है माइनस पाँच, तो माइनस पाँच का स्क्वायर और पूरे का मापांक। यह इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई आएगी। और सरल करें आगे तो माइनस 12 माइनस पाँच प्लस 82 बटे में अंडर रूट 144 प्लस 25। इस तरफ कर देते हैं अब, तो ये आ जाएगा
मापांक ऊपर कितना आया, 82 में से 17 घटाओगे आप तो 65 और बट्टे में आएगा 13, तो इसकी वैल्यू 5, मापांक लोगे तो प्लस का 5। तो इस रेखा से, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई आएगी। ठीक है, ये सूत्र याद रखना।